हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज दो दिन के बाद ब्लॉग कर रही हूँ मैं, तो अगर एक दिन बंद कर दो ना ब्लॉग तो दूसरे दिन बनाने का मन ही नहीं होता, तो फिर स्टार्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो आज है तारीख 14 अगस्त और ये मेरा ब्लॉग जाएगा 15 अगस्त को। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 12 और मैं यहाँ पर रोटी सेक रही थी, साथ में मम्मी खाना खा रही थी। तो चावल वगैरह चाहिए था, वर्षा दीदी को मैं ये दे रही थी कि दीदी दे आओ जाकर, मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये वर्षा दीदी दे रही थी और ये पैसे दे रहे थे मुझे, कुछ मंगाया था मतलब इन्होंने नहीं, जो हमारे यहाँ बर्तन करती है ना वो मुझसे बोली थी कि मंगवा देना, तो वो पैसा दे गई थी वर्षा दीदी को कि दे देना भाभी को। तो मैं नहाने गई थी उस टाइम पे, तो वो वर्षा दीदी को ही दे गई थी। मैं बोली रख दो मैं ले लूँगी बाद में, मैंने बुलवाया था उनके लिए, कुछ बोली थी कि बुलवा देना भाभी। तो शायद साड़ी थी कोई सी उनको पसंद आई थी, तो वो बोली थी भाभी कर देना, तो मैंने किया था, तो वही पैसा दे गई होंगी। बस यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक कर रख रही हूँ और मम्मी खा ही रही थी, मम्मी को गरम गरम दी और रोटी बन जाएंगी, फिर इसके बाद हम सब भी खाएंगे। और पापा तो हमारे यहाँ लेट ही खाते हैं, जल्दी खाते नहीं, नाश्ता कर लेते हैं। पापा तो लगभग 2 बजे के करीब खाते हैं, तो फिर पापा के लिए फिर मैं गरम करके रोटी दे देती हूँ। तो रोटी बन गई और बाद में ना ये शाम का व्यू है यहाँ पर हमारे यहाँ, जैसे कि बारिश हो रही थी ना अभी, तो बहुत ज़्यादा ना नीचे काई लग गई थी, तो पापा बस उसी को साफ़ करवा रहे हैं वर्करों से। तो ये देखिए वो घिस रहे थे, साफ़ सफाई चल रही है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं इस टाइम पे। तो पापा ने बोला ये साफ़ करवा देते हैं, ऐसे फिसलन भी बहुत होती है ना, डर लगती कोई गिर जाएगा, इसलिए साफ़ सफाई चल रही है। और इनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो ये लेटे हुए थे, पता नहीं क्या हो गया है इनको इस टाइम पे, 2 दिन से अजीब सा बोल रहे लग रहा है, तबीयत सही नहीं लग रही है। तो बस ये लेटे हुए थे, तो मैंने जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो शूट कर लिया था। तो अब यहाँ पर बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय, तो मैं चाय दे देती हूँ सबको, फिर इसके बाद ये डायरेक्ट रात का वीडियो है। मैंने आज बनाया था भरमा भट्टे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी थी, मैंने कुकर में बनाई थी क्योंकि पकती नहीं ना जल्दी, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक खूब सारा लिया है और मिर्ची डाल दी है, एक धनिया पत्ती और ये प्याज डाल दी है। ये सबको मैं मिक्सर में डाल दूँगी और इसमें जीरा, इसी मिक्सर में जीरा, हींग और मेथी दाने और क्या बोलते हैं हल्दी पाउडर, ये सब डालकर, और तिली सफ़ेद वाली तिली, ये सब डालकर मैं ये मिक्सी में पीस लिया है मैंने। ये देखिए ये हींग और क्या बोलते हैं इसको मेथी दाना, ये डाल दिया है मैंने। और ये तिली हो गई, तिली भी इसी में ऐड कर दिया है, वाइट वाली तिली। तो ये मिक्सी में पीस लेते हैं, हल्दी डाल दिया है, ये सब चीज़ डाल दिया है मैंने, पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका मिक्सचर जो बढ़िया कलरफुल अच्छे से दिखेगा। और बस इन सबको पीसने के बाद जैसे अपन नॉर्मल सब्जी बघाड़ते हैं वैसे ही बघाड़ दूँगी जीरा और हींग से। और ये भट्टे हैं, बैगन मैंने जो कि कट लगा कर रख लिए हैं, थोड़े कुछ बड़े हैं बट मैंने काट लिए, मैंने मतलब मैंने सोचा आज ये वाला बनाती हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया बना था। और आलू भी लगेगा, टमाटर भी लगेगा उसके साथ। आलू का मैंने कैप्चर नहीं किया, मैंने बता दिया 2-3 आलू भी काट कर डाले थे छोटे छोटे। तो ये मैंने कुकर में बना रही हूँ, तो ये बहुत पुराने ज़माने वाला कुकर है, घर में रखा हुआ है, बट इसमें सब्ज़ी सही रहती है क्योंकि नहीं ये चौड़ा सा है थोड़ा। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल गर्म हो गया, इसके बाद ये हींग और जीरा डाल दिया है। बस इसके बाद जो मिक्सी में मैंने पीसा था मिक्सर वो इसमें ऐड कर दूँगी। बस इसे भूनना है मीडियम फ्लेम पर, जब ये भून जाएगा अच्छा तो इसके बाद फिर इसी में काट कर टमाटर ऐड कर दिया था मैंने भूनने के बाद, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था ताकि जल्दी भून जाए, और फिर टमाटर ऐड कर दिया था इसी में। देन टमाटर भी अच्छे से भून गया था, इसके बाद ये मैंने आलू काट कर रखे थे इसको इसमें ऐड कर दिया है, और सारा मसाला अच्छे से भून गया, इसके बाद लास्ट में मैंने आलू डाला था और जो मैंने बैगन काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और नमक डाल दिया है अपने हिसाब से मैंने, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ज़रा सा, क्योंकि जले ना सब्ज़ी, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बस इसे बंद करके सीटी भर लेते हैं बस, और ये हमारा गर्मा गर्म बैगन बनकर तैयार हो गया है। भरमा बैगन एक नंबर की सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसी बनी। गर्मा गर्म रोटी या फिर पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, या राइस के साथ खाइए, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। और बस मैंने साइड में दूध भी रख दिया था बॉईल होने के लिए, तो ये बॉईल हो गया है दूध, हमारे यहाँ जानते हो आप लोग रात में भी दूध आता है और सुबह भी। तो देन इसके बाद खाना वगैरह सबका हो गया था, तो बस यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही थी,
और ना मैंने पट्टी पर फ़ोन रख दिया और लाइट ऑन है ना, तो वो वीडियो थोड़ा सा पता नहीं साफ सा नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को आप लोग माइंड मत करना ठीक है। और यहाँ पर मैं गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस फाइनली मेरी गैस वगैरह सब क्लीन हो गई है, अब मैं जा रही हूँ रूम में और अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो अनुपमा आ रहा है, बस लास्ट ब्रेक बचा है जो कि होने वाला है। मैं तो देख ली हूँ पहले ही, मैं ना हॉटस्टार में पहले ही देख लेती हूँ, मुझे इतना फेवरेट थी रेसिपी। सो गाइस मैं आ गई हूँ रूम में, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया मैं किचन से फ्री होकर आ गई हूँ। और उस दिन मैंने आपसे बोला था सूट लेकर आए थे हम लोग मार्केट से, तो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ दीदी ने क्या क्या सूट लाए हैं, आपको अच्छे से बैठ कर दिखाती हूँ। और अभी अनुपमा आ रहा है जिसके मैंने अभी बताया आप लोगों को। और ये देखिए ये बैंगल्स मैंने लिए थे वहाँ पर, मम्मी को दी थी आज पहनने के लिए, मम्मी गई थी किटी में, मैचिंग की थी साड़ी के उनकी, तो मेरे पास थे तो मैं ये दी थी, मेरे हाथ में थे, मैं एक्चुअली बाहर से लेकर आ रही हूँ अभी, तो मैं चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये बढ़िया लग रहा है सिंपल एंड सोबर से ना, तो ये मैच कर रहे थे, मम्मी को मैंने दे दिए थे पहनने के लिए, मम्मी बोली रख लो, मम्मी का काम हो गया है। चलो अभी मैं आप लोग को बैठकर अच्छे से दिखाती हूँ सूट। गाइस अभी तो मैं थोड़ा सा आप लोग से मिल रही थी ना, तो मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ सीरियसली सही बताऊँ तो एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा फेस पाउडर और काजल लिपस्टिक लगाई हूँ जर्रा सी, मैंने सोचा आप लोग के सामने ऐसे आ जाती हूँ बन थन के, मतलब ऐसे ही बनी रहती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मैंने बोला पहले थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ फिर मैं आप लोग से मिलकर बात करूँ। गाइस यकीन मानो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, देखो अपर लिप्स में पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा सड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। और अभी टाइम हो रहा है 10:45 हो गए हैं, तो चलो मैं आप लोग को अच्छे से बैठकर एक एक करके सारे सूट जो हमने लेकर आए हैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये मिरर खुला हुआ है, इसे बंद कर देती हूँ। चलिए अब मैं आप लोग को अच्छे से बैठ कर दिखाती हूँ। तो ये मेरा व्लॉग कल जाएगा, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ सूट। तो ये देखिए कुछ इस तरह की पैकिंग में है, काफ़ी भारी है ये, आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, परख कलेक्शन लिखा हुआ है बट ये मोबाइल में आप लोगों को उल्टा दिखेगा। तो चलो मैं आप लोग को एक एक करके पूरे सारे सूट दिखाती हूँ, एक अपने लिए भी लेकर आई थी, बाकी दीदी के हैं तो मैं अपना वाला तो लाने के लिए भूल गई हूँ, उसको भी उठा कर ले आती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। सो सबसे पहले तो मैं अपना ही दिखा देती हूँ क्योंकि मैं एक ही लेकर आई थी, दीदी ने बोला और ले लो बट मैंने बोला अभी दीदी मैंने मीशो से बुलवा ली है, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो फिर से अपन लोग कोई दिन और शॉपिंग के लिए आ जाएंगे बट अभी ज़रूरत नहीं है। तो केवल मुझे एक अच्छा लगा था क्योंकि अभी जैसे शादी के बाद थोड़े से कलर वैसे ब्राइट से कलर पहनो ना तो अच्छे लगते हैं, तो एक ये मरून कलर का कुर्ता मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, ये मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो ये सिंगल कुर्ता बस है, मतलब इसके साथ प्लाजो या फिर लेगी आप लगा कर पहन सकते हो, तो इसमें ब्लू कलर की लेगी भी लगाओगे तो अच्छी लगेगी और दुपट्टा ले लोगे तो अच्छी लगेगी। देखो मैं आप लोग को खोल कर दिखाती हूँ इसको, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। ये देखिए सामने इस तरीके से स्टोन लगे हुए हैं, वर्क दिया हुआ है, देन ये स्लिप्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसे स्लिप्स में भी स्टोन लगे हुए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न है इसका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये सिंपल एंड सोबर सा है तो ये मैं अपने लिए एक ही लेकर आई हूँ। और इसमें ब्लू लेगी या फिर कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें ये आप लोग देख सकते हो ये लाइन दी हुई है ना ऐसे, तो इस कलर का भी कुछ पहन सकते हैं इसके साथ, जब कभी पहनूंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये हो गया मेरा पहला कुर्ता, अब मैं आप लोग के साथ दीदी वाले कुर्ते शेयर करती हूँ ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का हो गया, हम लोग 4-5 सेट लेकर आए थे। सो अब मैं आप लोगों को पहला कुर्ता दिखा दिया मैंने, और भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये थैले में रखे हुए थे तो इसमें थोड़ा सा सिकुड़न आ गई है, जब इसको पहनना होगा तो वापस से प्रेस कर लेंगी दीदी। तो एक कुर्ता ये है, ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये ग्रे कलर का है और इसमें आप लोग देख सकते हो इस तरीके से वर्क दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं बोलेंगे, सिंपल सोबर सा ही है, बस ये सामने जो दिया है ना फ्रंट में इतना ही है काम, बाकी पूरा कुर्ता प्लेन है।
ये देखिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मुझे लगता है 600 या 700 का है, क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है। और इसमें आप लोग काम देख सकते हो स्टोन का, जो कि बहुत ही प्यारा है वर्क इसका। तो ये हो गया दूसरा कुर्ता, आप लोग बताना कि कौन सा वाला कुर्ता आप लोग को बेस्ट लगा। एक्चुअली क्या इसमें दीदी को टाइट करवाने की ज़रूरत नहीं, एकदम उन्होंने ट्रायल किया था वहाँ पे, तो उनको बढ़िया फिटिंग का था, तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। डबल एक्सल लिया है उन्होंने, हाँ जी डबल एक्सल कुर्ते है ये, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, साइज़ डबल एक्सल है। तो ये सेकंड हो गया, थर्ड कुर्ता दिखाती हूँ। ये देखिए सब बताया मैंने ना, ऐसे ही थैले में रख गए ना सारे कुर्ते। तो ये देखिए एक ये हो गया, ये भी सिंपल है, डेली वेयर, कहीं थोड़ा बहुत कहीं जाना है आपको तो आप पहन सकते हो। इसका ये स्लिप्स कुछ इस तरीके से है, और ये स्ट्रेट कुर्ता है एकदम, सामने से बस इतना सा ही काम है, बाकी पूरा प्लेन कुर्ता है, ब्लू कलर का है। ये है 500 का, 500 का है। तो दीदी को एक्चुअली सारे कुर्ते स्ट्रेट चाहिए थे, उनके पास जो कुर्ते थे पहले वाले वो उनको काफ़ी लूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने लेकर आया है। तो ये थर्ड नंबर का हो गया, अब मैं आप लोग के साथ फोर्थ नंबर का ये शेयर कर रही हूँ, जो कि पूरा घरारा शरारा क्या बोलते हैं वो, उस पैटर्न का सूट है। तो पहले तो मैं आप लोग को कुर्ता दिखा दूँ, ये देखिए ये भी ये दीदी अपने लिए लेकर आई है, मरून कलर का है। ये देखिए मैं आप लोग को सारे खोलकर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। तो ये देखिए ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ऑनलाइन है नहीं, वरना आप लोग के साथ इसकी लिंक और जो भी कोड है ये सब शेयर करती, बट कोई नहीं लेकर आए थे हम लोग, तो बस आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए इसमें ऐसे स्टोन नहीं बोलेंगे इसको, सीव वर्क का काम दिया हुआ है और कढ़ाई का काम है, हाँ ये कढ़ाई का काम दिया हुआ है। तो इस तरीके से कुर्ता है ये 800-900 का पड़ा है पूरा सेट, देखो कितना बढ़िया सेट है ये, 800-900 का कुर्ता मतलब पूरा सेट पड़ा है हमें। तो ये आप लोग देख सकते हो इस तरीके से इसमें गरारा दी हुई है, जो आजकल बहुत चल रही है, बट मैं नहीं पहनती इसे ना, ये मतलब दुबले पतले हैं जो उनके ऊपर ही अच्छा लगता है, अपन वैसे ही मोटे हैं तो ये मेरे पर अच्छा नहीं लगता। मैं भी सोची एक आध बारी लूँ, बट मुझे पता नहीं और मोटी दिखूँगी, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ इस टाइप के सूट, मुझे सिंपल एंड स्ट्रेट वाले कुर्ते ज़्यादा पसंद है, वरना फिर और मोटे दिखते ना इसलिए। तो ये फोर्थ नंबर का हो गया गाइस, और अब मैं आप लोग के साथ लास्ट वाला पीस शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए ये देखिए एक कुर्ता, ये पूरा सेट है, ये देखिए मैं आप लोग को इसको भी खोलकर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा पीस है, बेस्ट सबसे अच्छा मुझे यही वाला लगा। तो इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, इसमें सामने से इस तरीके से फ्रंट में काम है, वर्क दिया हुआ है, और इस तरीके से नेक में डिज़ाइन दी हुई है ये देखिए। और बस स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी है, इसमें कुछ अलग सा पैटर्न दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से है, अच्छी लग रही थी। दीदी ने ट्राई करके देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, मतलब पहनने के बाद बहुत अच्छा खिल रहा था कलर, तो इसलिए फिर हमने इसे ले ही लिया। ये कितने का है, ये हम लोग को 2200 के समथिंग का पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा सेट है, 5000 लगा दिया पूरी शॉपिंग में। तो ठीक है, कभी कभी करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन तो बुलवाते रहते हैं, बट सामने से जाकर लेना और ऑनलाइन में लेना वो अलग हो जाता है। सामने से कुछ भी करो, सामने की क्वालिटी अलग होती है कपड़ों की, सामने से देख कर लेने की। तो ये था ये लास्ट कुर्ता, ठीक है। इसके साथ ये दुपट्टा दिया हुआ है, ये देखो, ये जो कि आजकल इस टाइम पर बहुत चल रहे हैं ऐसे दुपट्टे, ये देखिए ऐसे साड़ियाँ भी बहुत चल रही हैं, ये देखिए ये दुपट्टा हो गया इसका, और ये हो गया पैंट, ये देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दी हुई है पैंट में भी। तो ये हो गए गाइज मेरे मतलब दीदी के लिए जो हम शॉपिंग करके लाए थे, ये सारे
पीस हो गए हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। आप लोग बताना सबसे वाला सबसे बेस्ट आप लोग को कौन सा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब मैं इसे वापस से पैक करके रख देती हूँ, फैलान हो जाती है, बट मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना बनता है, आप लोग वरना फिर बोलोगे दीदी क्या लेकर आए थे, तो इसलिए मैंने बस आप लोग के साथ शेयर किया है। तो ज़रूर बताइएगा कौन सा वाला बेस्ट लगा है, पहनकर नहीं दिखा पाऊँगी वरना मैं ट्रायल करके आप लोग को दिखाती, तो ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है। सो गाइज ये था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा अगर कुछ लोग मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे सच्चे नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।